Hi dear students and dear friends, welcome to our official YouTube channel Solution is for you. We are discussing trigonometry and it is our exercise first and from question number 4 onwards. Now question number 5. Question number 5 batata hai hame, we have given sec theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. This is very very simple question. Main aapko ye assignment dena chahta tha lekin ab mujhe pata hai ki kuch log aise bhi hote hai jo thoda kahil hote hai. तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ. कैलकुलेट ऑल द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज. एक रेशियो हमें दिया हुआ है, हमें बताया गया है कि आप बाकी जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है इसके अलावा आप वो निकाल दो. डियर स्टूडेंट्स, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमें ट्रायंगल के तीनों साइड पता होने चाहिए. वंस वी हैव वी नो ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल वी कैन इजीली फाइंड एनी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो. वी हैव गिवन सोल्यूशन है, यहां से सोल्यूशन है. sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. सोल्यूशन यहां से है. पहले अगर ये पॉइंट भी आप देखोगे, कंसीडर राइट ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट ट्रायंगल एट ए. मुझे बताओ sec थीटा की फार्मूला क्या है. sec थीटा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस. हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस. व्हाट इज हाइपोटेन्यूस हियर. Hypotenuse by divided base, it is equal to 13/12 sec theta. ठीक है, तो यहाँ हमें कोई कैद नहीं है, हमें हम बाउंडेड नहीं है. जो एंगल हम एक्यूट एंगल लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं, चाहे हम सी बी एक्यूट एंगल ले सकते हैं, हम एक्यूट एंगल ए भी ले सकते हैं एक्यूट एंगल. अब मैं इसको नाम कर दूंगा थीटा, अब हम एक्यूट एंगल इसी को लेंगे. ठीक है, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस. तो हाइपोटेन्यूस हमें क्या निकला, अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा, हाइपोटेन्यूस इज हियर 13 एंड बेस इज हियर 12. हैव यू गॉट द पॉइंट. अब हमें क्या चाहिए, हमें अब बी सी निकालना चाहिए यूजिंग पी जी टी. ए सी स्क्वेयर AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. वैल्यू ऑफ AC इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इट इज 12 स्क्वायर प्लस वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ BC स्क्वायर. सो हाउ इट विल बिकम 13 इंटू 13 आई थिंक इट इज 169 माइनस 12 इंटू 12 इट इज 144. यानी 12 यहाँ प्लस था, मैंने इसको यहाँ लाया, क्या बन गया माइनस. हैव यू गॉट द पॉइंट. क्या बचा यहाँ BC का स्क्वायर. जरा इसको सब्ट्रैक्ट करो, 9 माइनस 4 इज इट बिकम्स 5, 6 माइनस 4 इट इज 2, 1 माइनस 1 इट इज 0. इट इज BC स्क्वायर. इन अदर वर्ड्स मैं BC को यहां ही लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. BC स्क्वायर. अब 25, क्या 25 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 इज 25. यहां भी पावर में स्क्वायर है, यहां भी पावर में स्क्वायर है. जब ऐसी कंडीशन हो तो स्क्वायर और स्क्वायर का इफेक्ट कैंसिल होता है. तो बचे क्या बचा हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू 5. बी सी इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब हमें ट्रायंगल के तीनों की तीनों साइड्स पता है, अब हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं. पहले कौन सा रेशियो हम निकालेंगे, साइन. ठीक है, साइन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन. परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. इसको हमने कंसिडर किया, व्हाट इज परपेंडिकुलर एट द टाइम, इट इज बी सी डिवाइडेड बाय ए सी. वैल्यू ऑफ बी सी इट इज 5 एंड ए सी इट इज 13. हैव यू गॉट द पॉइंट. इट डिपेंड्स अपन, चाहे आप एक ट्रायंगल ये लोगे या ये लोगे, तो ऑब्वियसली फिर आंसर भी थोड़ा वेरी होगा. कॉस थीटा, कॉस थीटा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कॉस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस. वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको खुद करना था. बेस, इस एंगल की बात हो रही है, बेस ए बी, वेरी गुड. हाइपोटेन्यूस ए सी, बहुत अच्छा. वैल्यू ऑफ ए बी इट इज 12, वैल्यू ऑफ ए सी इट इज 13. टेन को हमें, टेन निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक साइन डिवाइडेड बाय कॉस, वो भी और डायरेक्ट फार्मूला भी निकाल सकते हैं. टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, अगर इस एंगल की बात करेंगे, बी सी, बेस ए बी. व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी सी, इट इज 5. व्हाट इज
है योर साइन कॉस टेन अब कोसेक कोसेक थीटा cosec theta. What is the formula for cosec theta? Hypotenuse divided by perpendicular. Hypotenuse divided by perpendicular. अगर इसकी बात हो रही है hypotenuse तो यही रहेगा हमेशा. It is AC and perpendicular BC. Very good. What is the value of AC? It is 13. What is the value of BC? It is 5. Sec तो हमें नहीं निकालना है क्योंकि it is already given. तो अब क्या बचा? Cot theta. Very good. What is the formula for cot theta? Base divided by perpendicular. बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. अगर इस एंगल की बात हो रही है तो बेस क्या बनेगा? ए बी. बहुत अच्छा. परपेंडिकुलर बी सी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? इट इज 12. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी? इट इज 5. सो दीज वर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड इन दिस वे इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. Now it is question number 6. Question number 6, let me mark and star here because it is very important question. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. बहुत अच्छा सवाल है. क्वेश्चन कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. सिंपल है. ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी. हम थोड़ा कॉन्स्ट्रक्शन इसमें कर देंगे. लेट्स ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी. लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी. ये इसने यहां पे भी 90 बना दिया, यहां पे भी बना दिया 90 डिग्री. तो हमारे पास गिवन क्या है? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में लिखता हूं, ठीक है. सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी. कॉस ए इज इक्वल टू cos b. बड़े ध्यान से सुना बेटा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos a? बेस बाय हाइपोटेन्यूस. बहुत अच्छा. बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. एक पॉइंट यहां जरूर समझना, ये और ये सेम नहीं है क्योंकि एंगल यहां डिफरेंट है. साइड सेम नहीं आएंगे. एंगल एंगल मैटर करता है. अगर एंगल ए की बात हो रही है तो बेस क्या बनेगा? एंगल ए की बात हो रही है. बेस क्या बने? एंगल ए. बेस बिकम, अगर इसको नाम कर देंगे लेट इट बी डी, ठीक है. एंगल ए की बात हो रही है, इसका मतलब बेस बनेगी ए डी. वेरी गुड. हाइपोटेन्यूस दिस लाइन ए सी. वेरी गुड. एंगल बी की बात हो रही है, बेस क्या बनेगा एट दैट टाइम? बी डी. बी डी. और हाइपोटेन्यूस क्या बनेगा एट दैट टाइम? बी सी. बी सी विच इंप्लाइज, अगर ये जो ये बी डी यहाँ पे न्यूमरेटर में है, अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगा ये यहाँ डिनोमिनेटर बनेगा. ए सी यहाँ क्या न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है, सॉरी, ये यहाँ डिनोमिनेटर में है. अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? उधर न्यूमरेटर बनेगा. एडी हमारे पास अपना ही है, यहां बीडी था न्यूमरेटर, यहां बनेगा डिनोमिनेटर. वेरी गुड. एसी यहां था क्या? डिनोमिनेटर में, उसको उधर ले जाऊंगा तो वहां न्यूमरेटर बनेगा. डिवाइड अपना बीसी है ही. हैव यू गॉट द पॉइंट? आप जरा एक स्ट्रेटजी यहां फॉलो हो रही है. एडी देखो, एडी डिवाइड बाई एसी. एडी डिवाइडेड बाई एसी किसके बराबर है? बीडी डिवाइड बाई बीसी. बीडी डिवाइड बाई बीसी. ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहां सामने लाओ, उसकी इमेज लाओ यहां. एडी डिवाइडेड बाय बीडी. एडी डिवाइडेड बाय बीडी, ठीक. एसी डिवाइडेड बाय बीसी. एसी डिवाइडेड बाय बीसी. यार क्या आपको ये दो ट्रायंगल किसी तरीके से सिमिलर लगते हैं? मुझे लगता है कि एक सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहां आया. और एक बात आल्सो, सी डी इज इक्वल टू सी डी. डू यू नो व्हाई? इट इज कॉमन फॉर बोथ. सी डी इज इक्वल टू सी डी, कॉमन. यार जब हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट देखा तो हम इस नतीजे पे पहुंच गए. वी कैन से ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी बी. कैन वी सी? यस. तो फिर लिखो ना, सिंस ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल किस ट्रायंगल की? सी डी बी. अच्छा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं? यस, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकम्स इक्वल एट दैट टाइम.
तो नतीजा क्या निकलेगा, इट फॉलोज एंगल ए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। लेकिन डू यू नो व्हाई, एग्जाम में इसका रीजन जरूर दे रहा है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और ये आपकी नॉलेज को जाहिर नहीं करता है जब तक कि आप इसको रीजन ना लिखोगे। बिकॉज कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये बताता है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवाल्व इट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है यू हैव टू आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। सी, हमें इस क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू भी चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू भी चाहिए और कॉट थीटा का वैल्यू भी चाहिए। हम वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं, जब हम एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें अच्छे से पता हो, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आवर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। सी, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, जिस तरह हम करते हैं उसी तरह। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कॉट थीटा, इस तरह, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल ये कंसीडर करूंगा थीटा एंगल, तो बेस क्या बन जाएगा उस वक्त, वेरी गुड, ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, दैट मीन्स ए बी, सॉरी, इट इज लाइक दिस, 7/8। अब बेस का मतलब क्या है, अगर थीटा की बात हो रही है, ए बी, एंड परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बी सी इज इक्वल टू 7/8, वेरी गुड। तो अगर आप इसको के भी साथ रखोगे कोई मसला नहीं है, वो आखिर में कैंसिल होता है। फिलहाल आप इतना याद रखो, ए बी किसके बराबर हमें निकला, 7 और बी सी 8 के बराबर। अभी सिर्फ दो ही साइड हमें पता चल गए, हमें तीसरा साइड भी जरूर पता करना है, दैट इज ए सी। तो किस तरह पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, which further implies AC square is equal to value of AB is 7/7। अब ए सी 49 लिखूं, अब आप बड़े हो गए, AB का वैल्यू है 7/7 = 49, वैल्यू ऑफ BC is 8, सीधे 64 लिखो, 8/64, माशाल्लाह आप तो बहुत बड़े हो गए, 8/64, वेरी गुड। AC square जरा इनको प्लस करो, 9 + 4 = 10, 11 = 13, ए कैरी वो बन गया 5, 5 + 6 = 11, 113। अगर ए सी में सिर्फ इधर रखूँगा तो ये स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 13 को स्क्वायर रूट बनाना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, √113। तो अब हमें तीनों साइड्स पता चले, क्या मैं अब साइन भी निकाल सकता हूँ, कॉस भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं पहले साइन थीटा, आई थिंक इट इज विजिबल, साइन थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। इस एंगल की बात हो रही है, परपेंडिकुलर बी सी, BC divided by AC, value of BC is what, it is 8, and hypotenuse it is √113. Now in a similar way we need to find cos theta. What is the formula for cos theta, base divided by hypotenuse, but ध्यान से समझना यार, बेस, अगर इस एंगल की बात हो रही है, बेस क्या बनेगा, ए बी, बहुत अच्छा, एंड हाइपोटेन्यूस ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, इट इज 7/√113। अब हमें वैल्यूज पता चले, अब हम सीधे इनमें क्या कर देंगे, सब छूट, तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा आंसर निकलेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड 1 प्लस साइन
theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. जरा करो वैल्यू सब छोड़ अभी डरने की क्या बात है. 1 plus sin theta का वैल्यू 8 divided by square root 113. Very good. 1 minus sin का वैल्यू 8 divided by square root of 113. ठीक. अब होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113. ठीक. इनटू 1 माइनस कॉस थीटा 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113. जरा बेटा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दिस इसको 1 भी डिवाइड में रख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर रूट 113 इनटू 1 इट इज स्क्वायर रूट 113. ठीक आई समझ. प्लस प्लस 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113. मैंने इसको इससे क्रॉस मल्टीपल किया, 8 को इससे मल्टीपल किया और स्क्वायर रूट 113 को 1 से. ठीक को इतना ठीक इनटू अपना ही है. स्क्वायर रूट 113 को 1 से करो मल्टीपल, यही रहेगा स्क्वायर रूट 113 माइनस अपना ये इट इज 113 है 113 माइनस 8 वन हजार 8 डिवाइड क्या है स्क्वायर रूट 113. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे से आता होगा. होल डिवाइडेड बाय सीधे बिल्कुल यहाँ भी इसको वहाँ रखो डिवाइड, इसको वहाँ रखो, इसको इससे स्क्वायर रूट 113 प्लस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 113. मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है. इनटू इसको फिर से स्क्वायर रूट 113 माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 113. तो यहां मैं आपको एक बात बता दूंगा, आपने एक फार्मूला जरूर सुनी होगी एंड दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये ए है, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी. सिमिलरली इन डिनोमिनेटर दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, this is a and this is b. a plus b into a minus b क्या बन जाएगा a square minus b square, यानी square root of 113 का square minus 8 square divided है अपना square root of 113 का square whole divided by a plus b into a minus b square root of 113 का square minus 7 square होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर. देखो ए और ए फिनिश हो गया, स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट फिनिश, क्या बच गया 113 माइनस इट इज 8 स्क्वायर, सॉरी इट इज 8 स्क्वायर माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49. तो के क्या बन गया 49, दिस माइनस दिस इट इज 64. So this is the answer of first part. Now another part, it is cot square theta. So I hope you have noted all these points. I will wrap this. Now second part, it is cot square theta. यानी ये इस तरह, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, cot theta into cot theta. तो पहले मुझे पता होना कॉट थीटा का वैल्यू क्या है. तो कॉट थीटा का वैल्यू इस तरह है साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसके बदले मैंने ये लिखा, इसके बदले मैंने ये लिखा. जरा कॉस थीटा का वैल्यू मुझे बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 113 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 इनटू इसी तरह फिर से 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा का वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113. तो क्या होगा, इसका और इसका इफेक्ट कैंसिल होगा, इसका और इसका इफेक्ट कैंसिल होगा, 7 7 हज़ार इट इज 49, 8 8 हज़ार इट इज 64.
और लास्ट में मैं आपको यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर देते रहे, क्या इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है, क्या हमें कोई कमी है, अगर हमें कोई कमी है प्लीज़ वो भी बता दीजिए ताकि वो कमी दूर हो जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगते हैं नहीं ये नॉलेजेबल वीडियोज़ है, तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें हौसला अफजाई दीजिए, बिकॉज योर एनकरेजमेंट मैटर्स फॉर अस। और इसी के साथ साथ आप गुड सजेशंस भी देते रहो, आपको क्रिटिसाइज करने का भरपूर हक है, बट क्रिटिसाइज शुड बी इन अ पॉजिटिव वे। आपको गुड सजेशंस देने का जरूर हक है, एंड योर गुड सजेशंस मैटर्स फॉर अस। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।